वैसे में कांग्रेस के लिए कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है जो अभी तक उन्होंने वो तेजी नहीं पकड़ी है जो पकड़नी चाहिए थी, मुझे लगता है इसमें शैलजा की चुप्पी कहीं कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। शैलजा की जो चुप्पी का कारण वो मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है जी। पार्टी हाईकमान अब कोशिश करेगी कि शैलजा को कहीं कहीं बिल्कुल भेजा जाए, उनको मनाया जाए और उनको चुनाव प्रचार उतारा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसे जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, चुनाव प्रचार जो है वो अपना जोर पकड़ता जा रहा है। सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं या स्टार प्रचारक जो हैं वो स्टार अपने प्रचार पे पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा कांग्रेस की, तो हरियाणा की दिग्गज नेता कुमारी शैलजा जो है अभी तक चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आ रही हैं। इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं, इसके पीछे के कारणों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो हरियाणा की राजनीति के अच्छे जानकार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इन सब के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद राजेंद्र जी। मेहरा साहब, चुनाव में लगभग 15 दिन रह गए हैं और हर पार्टी अपने स्टार प्रचारक को आगे लेकर आ रही है प्रचार के लिए। अगर बात करें तो प्रधानमंत्री साहब भी एक रैली कर रहे हैं, तो एक आध रैली उनकी और होने वाली है आने वाले दिनों में। लेकिन दूसरी तरफ हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की एक बड़ी लीडर कुमारी शैलजा जो है वो अभी तक चुनाव प्रचार में कहीं नजर नहीं आई, उनकी चुप्पी जो है वो क्या साबित करती है? देखिए, आपने जैसा बताया कि 5 अक्टूबर को जो मतदान की डेट है वो 5 अक्टूबर है, और मुझे ऐसा कह सकते हैं कि एक पखवाड़ा से भी कम समय चुनाव प्रचार के लिए रह गया है जी। क्योंकि 5, 4, 3, 4 तारीख को शाम को चुनाव प्रचार है जो बंद हो जाता है, इसलिए पखवाड़े से भी कम समय चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों के लिए बचता है। और एक चुनाव प्रचार के लिए एक पहले दौर में सभी पार्टियों ने अपना जो धुआंधार चुनाव प्रचार है वो झोंक दिया है और पार्टियों के स्टार प्रचारक भी आने लगे हैं। हालांकि एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत बड़े जो ब्रांड उनके स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो क्षेत्र में आ चुके हैं और अभी 25 को हो रही है, 25 तारीख को गुवाहाटी में शायद जी 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 रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं जी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है जो अभी तक उन्होंने वो तेजी नहीं पकड़ी है जो पकड़नी चाहिए थी, इसका एक मुख्य कारण है जैसे आपने बताया कि शैलजा का चुप है। तो मुझे लगता है इसमें शैलजा की चुप्पी कहीं कहीं कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। शैलजा की चुप्पी इसलिए कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार है, मुख्यमंत्री पद की दावेदार होते हुए उन्होंने ज्यादा टिकटों की उन्होंने एक्सपेक्ट की थी हाईकमान से कि बहुत काफी टिकटें उनको मिलेगी, लेकिन उनके जो समर्थक लीडर रहे हैं लेकिन उनके समर्थकों को टिकट काट दी गई। हालांकि अभी भी 9 से 10 टिकटें हैं उनके खाते में, बताई जा रही है कि हाईकमान ने 10 टिकटें उनके शैलजा के खाते में दी हैं, लेकिन जो मुख्य टिकटें थी जो मुख्य विधानसभा क्षेत्रों से जैसे नारनौंद से डॉक्टर अजय चौधरी की टिकट चाहती थी, वो उकलाना से खुद लड़ना चाहती थी या उनके उनके अपने किसी परिवार को चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन दोनों की टिकटें नहीं मिल पाई उनको जी। तो ऐसे में महीने कहीं ना कहीं लगता है शैलजा की जो चुप्पी जो बता रही है वो कहीं ना कहीं शैलजा स्टेट की जो इकाई है उससे भी नाराज है और कहीं ना कहीं हाईकमान से भी कहीं ना कहीं नाखुश। नाराजगी की बात आप करते हैं, नाराजगी के लिए क्या हुड्डा साहब ने कभी कोशिश की उनको मनाने की, या ऐसा लगता है कि उनका जो मसला है जो उनका जो मामला है वो हाईकमान तक पहुंच चुका है? देखिए, कोशिशों की अगर हम चर्चा करें तो शैलजा ने जो 10 अपने जो समर्थकों को टिकट दिलवाई है अभी तक उनके प्रचार में भी शैलजा कुमारी शैलजा नहीं उतर पाई आ पाई है। अभी तक उन्होंने हरियाणा में किसी प्रकार के प्रचार से दूरी बनाई रखी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता भूपेंद्र हुड्डा उन्होंने कोशिश किया है, क्योंकि पिछले दिनों जब नारनौंद में एक जातिगत जी का मामला आया था, किसी बुजुर्ग ने किसी गांव के बुजुर्ग ने शैलजा को एक जातिगत टिप्पणी की थी टिप्पणी का जवाब भूपेंद्र हुड्डा ने बड़े अच्छे तरीके से दिया है।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की के लोगों की जो इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले लोग कांग्रेस में उनको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने भी उनका उनको बड़े वो लिया है, बड़ा सख्ताई से संज्ञान उन्होंने लिया। उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस में इस तरह के बयानबाजी करने वाले लोगों की जगह नहीं है। तो मुझे लगता है, और भूपेंद्र हुड्डा ने जी ने तो ये कहा है कि शैलजा हमारी बहन है और वो हमारी नेशनल लेवल की लीडर है, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से हाथ बटाने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बावजूद भी शैलजा का टस से मस न होना, ये भूपेंद्र हुड्डा की के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं को बढ़ा रहा है। और मामला यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि शैलजा की जो चुप्पी का कारण है वो मामला पार्टी हाईकमान तक पहुंच गया है जी। पार्टी हाईकमान अब कोशिश करेगी कि शैलजा को कहीं कहीं बिल्कुल भेजा जाए, उनको मनाया जाए और उनको चुनाव प्रचार में उतारा जाए। कुमारी, शैलजा की बात करें तो कितनी सीटों पर उनका जो प्रभाव है वो रहेगा, और उनकी जो चुप्पी है वो क्या असर डाल सकती है, इस सारे जो ये चुनाव है इन पे क्या असर डाल सकती है, क्या वो चुनाव प्रचार में आएंगी? देखिए, ये तो डेफिनेटली वो बहुत कांग्रेस की एक बहुत कट्टर समर्थक जो सांसद हैं वो हैं, हालांकि उनकी जो चौधरी दलवीर सिंह की लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। चौधरी दलवीर सिंह भी कई बार एमपी रहे, केंद्र में मंत्री रहे, और शैलजा भी अभी कांग्रेस की ही तरफ से कांग्रेस की टिकट पे ही पांचवीं बार एमपी बनी है। दो बार वो अम्बाला से एमपी रही है, दो बार तीसरी बार अभी लगातार सिरसा से एमपी बनी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस से दूर नहीं जा सकती शैलजा के खून में कांग्रेस का डीएनए है जी। वो अपने आप को बहुत कट्टर और बहुत एक नंबर की समर्थक, कांग्रेस की समर्थक मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाराजगी और अपनी चुप्पी तो दिखानी उनकी बनती है, क्योंकि उसकी उनकी अपेक्षा के अनुसार कांग्रेस में जो टिकटें बटी गई हैं वो नहीं बटी, कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन किया गया है। तो इसलिए स्वाभाविक है उनका चुनाव प्रचार में थोड़ा सा चुप्पी साधना, मुझे लगता है अल्टीमेटली वो चुनाव प्रचार के लिए तो आएंगी। दूसरी बात, जहां आपने हरियाणा में शैलजा के प्रभाव की बात की, शैलजा एक विशेष एक जो समुदाय की नेता है उनको जी, 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 जी बिल्कुल, शैलजा जिस समुदाय से आती है उस समुदाय का हरियाणा की राजनीति में क्या, हरियाणा में 21% मत है उनका जी, 21% मत है उनके जिस समुदाय से, चरमकार समुदाय से आती है। और मुझे लगता है इससे बड़ा नॉर्थ इंडिया में कोई लीडर नहीं है शैलजा से बड़ा दलित समुदाय कांग्रेस में, क्योंकि चार बार मिनिस्टर रही है, पांचवी बार वो बड़े सीनियर नेता रही हैं अभी, और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, स्टेट की प्रभारी हैं। तो ये जो उन्होंने एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने योगदान दिया है जो, उसको कहीं कांग्रेस पार्टी भी नहीं भुला पाएगी। और जहां तक सीटों पे बात करें तो देखिए, 17 सीटें रिजर्व की, आरक्षित सीटें 17 हैं जी हरियाणा विधानसभा में, और जो सीटें आरक्षित की जाती हैं उनमें मैक्सिमम जिसमें वो आरक्षित की जाती हैं जिनमें मैक्सिमम वोट शेड्यूल कास्ट का होता है, 17 तो आप ये मान के चलो कि इन सीटों पर पूरा प्रभाव बुरी तरह से जी। उसके अलावा अम्बाला से वो दो बार सांसद रही है, सिरसा से तीसरी बार सांसद बनी है, और हिसार उनका गृह क्षेत्र है, गृह जिला है। तो तीनों डिस्ट्रिक्टों में डेफिनेटली सभी सीटों पर शैलजा का प्रभाव है, और सभी सीटों पर नहीं, मैं कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में दलित वोटों पर उनका प्रभाव है, और उन वोटों को कैश करने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको चुनाव मैदान में बहुत शीघ्र उतारने वाली है। और अगर इस तरह चुनाव मैदान से अगर दूरी बनाए रखती है तो ये कांग्रेस के लिए नुकसान होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली शैलजा को हाईकमान बनाने में कामयाब होगा और वो एक धुआंधार प्रचार करने के लिए हरियाणा में उतरे। चुनाव से पहले कुमारी शैलजा ने बड़ा जोश दिखाया और उन्होंने यहां तक बोल दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं, और उसके बाद एकदम से उनका इस तरह से चुप हो जाना, क्या हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, अभी भी कुमारी शैलजा का दावा है, और उन्होंने जो टिकट वितरण के बाद स्टेटमेंट दी है, बयान दिया है कि मुख्यमंत्री पद का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी
और उनके बयान के बाद दीपक बावरिया जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस हाईकमान का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी। यहां तक के खड़गे साहब ने भी, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी क्लियर किया है कि कांग्रेस हरियाणा में मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस की विधानसभा में सीटें ज्यादा आती है तो उनका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगी। शैलजा की बात को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो अभी भी उनका दावा बड़ा हुआ है अभी भी। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री पद का जो जो फैसला है वो पार्टी हाईकमान करेगी। कुमारी शैलजा को कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए आना ही होगा और वो आएगी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता बहुत शीघ्र चुनाव प्रचार में आप उनको देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो अभी तक कांग्रेस ने उनके जो स्टार प्रचारक है उन्होंने भी प्रचार ढंग से हरियाणा में शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब की बार मेन है, जो टारगेट है कांग्रेस पार्टी का जाट वोट को आकर्षित करना और एससी वोट को आकर्षित करना और सरदार जो सिख वोट है पंजाबी वोट जिसको कह सकते हैं हम, सिख वोटर्स को जी, और मुस्लिम वोटर्स को, उसके अलावा और जो दूसरे समुदाय हैं उनमें भी कांग्रेस का कहीं कहीं पार्टिसिपेशन है, उनको भी आकर्षित करने की उनकी कवायद है। और शेड्यूल कास्ट को वोट को दरकिनार नहीं किया जा सकता, इसके लिए शैलजा को मनाना ही पड़ेगा और शैलजा डेफिनेटली चुनाव प्रचार में आएंगे। सो दोस्तों, आने वाले समय में कुमारी शैलजा जो है वो धरातल पर आकर प्रचार करती हैं या नहीं करती हैं? खैर, हाईकमान पूरी कोशिश करेगा कि कुमारी शैलजा को मनाया जाए और अगर उनके कुछ शिकवे हैं वो दूर किए जाएं और उनको प्रचार में लाया जाए। जो भी होगा वो आने वाले दिनों में आपके सामने होगा। आप अगली सारी चर्चा के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी राय है, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, आपके हर सुझाव का स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।